दिस इज स्टारफिश, ठीक है, ये क्या है, दिस इज व्हाट अ स्टारफिश, ठीक है। इसके पास 5 लेयर हो गए। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होगा, इसके जो ये वाला पोर्शन होगा, उल्टा वाला पोर्शन होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज द बोरल सरफेस। ये क्या है, अब बोरल सरफेस हो गया। अब ऑरल सरफेस, अब ऑरल मतलब दो चीज होता है, एक होता है ऑरल सरफेस और एक होता है अबोरल सरफेस, ठीक है। दैट इज व्हाट, जो नीचे वाला पोर्शन होगा इधर, ठीक है, अगर ऐसे हम बना दो इसको, हेलो बच्चा पार्टी, सब कैसे हैं, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत चंगे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत मस्त है, राइट। ओके, सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर वेरी ओन चैनल दैट इज एनसीईआरटी बेसिक्स, जहाँ आपका एनसीईआरटी जो है एकदम पक्के पक्के तरीके से जो है कवर होते होते जा रहा है। डू नॉट बी वरीड, सिलेबस जो है धीरे धीरे से खत्म होगा, डेफिनेटली सब लोग जो है वो ट्राई कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली बी वेरी श्योर ऑफ दैट, एंड व्हाट से जितना आपको मिल रहा है मेक श्योर दैट यू आर यूटिलाइजिंग दिस फर्स्ट, है ना। Yes. Okay. So we have what? Yes, chapter number 4, that is Animal Kingdom with us. And who am I? I am your very own Jasmine Joy. और बच्चा आज अपन पाइलम एकाइनोडर्मेटा के बारे में बात करेंगे। मतलब अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया इस बार, तो सीरियसली बता रही हूँ। We have actually completed a lot. अपन ने फाइलम पोरिफेरा शुरू करा था, now we are in एकाइनोडर्मेटा, that is quite huge. This is a very big achievement. So tap your back. जो regularly मेरा class ले रहे हैं, you should be very proud of yourselves. Yeah. जो नहीं ले रहे, still you can be proud of yourselves. Yeah. Okay. चलो फिर शुरू करते हैं। Echinoderms का आज का अपना target है बच्चा इतना सारा, तो सा है। This we have to cover. ठीक है, आज इतना सारा जो चीज है, sorry, ये जो है अपन को कवर करना है और अपन कवर करने जा रहे हैं। इफ इट ऑल बीच में अपन को कुछ दिख रहा है, वी विल कम बैक अगेन, वी विल एनीवेज रीड द एनसीईआरटी एट द एंड ऑफ द सेशन। यस, एंड वी विल सी इफ वी आर मिसिंग आउट एनीथिंग। सो कौन क्या बोल रहा है भाई, ये अपना स्टारफिश है जब बड़ा हुआ है रेत में और बोल रहा है हाय हाय, ठीक है, मेरे बारे में पढ़ने आए हो, नमस्ते, है ना। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनका बच्चा, जल्दी जल्दी से ये सेशन जो है अपन खत्म करेंगे। छोटू सा फाइलम है ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस चीज से बना है, क्या ये सेल से बना है, या फिर सेल्स जो बोले हमको टिश्यूज बनाना है, या फिर टिश्यूज बोले कि हमको ऑर्गन बना है, फिर ऑर्गन जो है बोला कि नहीं भाई हमको तो ऑर्गन सिस्टम चाहिए। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ठीक है। देयर इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ से आ रहा है, एस्केलमिंथेस से लेके अभी तक बच्चा ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही मिलेगा आपको, ठीक है। सिमेट्री के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आएगा। अभी तक आपने जितना भी ऑर्गेनिज्म पढ़ा वो बायलैटरली सिमेट्रिकल थे, मतलब प्लैटीहेलमिंथेस के बाद सब क्या है बायलैटरली सिमेट्रिकल थे। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको रेडियल सिमेट्री मिलेगा। चेंज आ गया है भाई, ठीक है, रेडियल सिमेट्री मिलेगा। कहाँ है मेरा पेन, एक और चीज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, रेडियल सिमेट्री मतलब क्या होता है, रेडियल सिमेट्री मतलब आप एक ऑर्गेनिज्म को कई सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेन से कट कर सकते हैं और इक्वल हाफ्स पा सकते हैं। यू कैन डिवाइड एन ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट डिफरेंट इक्वल हाफ्स, ओके, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स। मतलब आप यहाँ से काट सकते हो उसको, यहाँ से काट सकते हो, ऐसे ऐसे काट काट के आपको अगर इक्वल हाफ्स मिल रहा है उसका, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का आपको अगर आपको इक्वल हाफ मिल रहा है कहीं से भी काट के, अलग अलग प्लेन से काट के, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। यह मैंने काटा गलत है, प्लीज इसको मत ध्यान देना, ठीक है। सो दे आर नोन एज व्हाट, रेडियली सिमेट्रिकल। पर एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि इनका जो अडल्ट फॉर्म है बच्चा वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। पर बच्चा एक चीज यहाँ पे 6 पॉइंट्स के अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहीं पे बता देती हूँ, हियर दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या है कि भाई डायरेक्टली एक ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा नहीं हो रहा है, देयर इज अ लार्वल स्टेज इन बिटवीन। वो लार्वल स्टेज को क्रॉस करके फिर धीरे धीरे क्या है वो ऑर्गेनिज्म जो है एक पर्टिकुलर फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बनेगा। So there is an indirect development. That means there is what, a larval stage. I hope this is clear. ठीक है, तो इनका जो लावा है ये खता बताने की जरूरत क्या है बच्चा, इनका जो लावा है यही तो है एक्सेप्शन। ये जो चुनु मुनु बोल रहा है भाई मैं तो रेडियल सिमेट्री शो नहीं करूंगा, ठीक है, मैं रेडियल सिमेट्री शो नहीं करूंगा, मैं बायलैटरल सिमेट्री शो करूंगा, ठीक है। मैं जो मेरे पुराने दोस्त थे प्लैटीहेल्मिन्थस उन लोगों के जैसे ही रहूंगा। आई विल शो बायलैटरल सिमेट्री, मतलब आप मुझे सिर्फ एक ही प्लेन से काट सकते हो इक्वल हाफ्स में, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं सिर्फ उसको एक ही प्लेन से काट सकती हूँ इक्वल हाफ्स में, उनको क्या बोलते हैं, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे जो लार्वल स्टेज है, ठीक है, वो बोल रहा है मैं तुम्हारे इस ग्रुप में नहीं, ग्रुप में आना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू शो वॉट बायलैटरल सिमेट्री। बाकी जो अडल्ट फॉर्म है, अडल्ट फॉर्म में वो क्या है, रेडियल सिमेट्री जो है शो कर रहे हैं। दे आर शोइंग रेडियल सिमेट्री, मतलब कहीं से भी काटा आपको एक क्लास में लेंगे, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेन से आप काट सकते हो, मल्टीपल प्लेन से आप एक ऑर्गेनिज्म को काट सकते हो। कैन आई राइट बायलैटरल सिमेट्री इधर लावा, ठीक है। तो एक चीज आपको एक्स्ट्रा समझ में आ गया कि इनके पास क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ये यूजुअली अपन लास्ट में पढ़ते हैं, यहाँ पे फर्स्ट में पढ़ लिया, ठीक है। एंड नाउ सीलोम के बारे में, जर्म लेयर्स के बारे में बात करें तो क्या इनके पास कितने जर्म लेयर्स है बच्चा, इन लोगों के पास, इन लोगों के पास बच्चा 3 जर्म लेयर्स है। जर्म लेयर्स मतलब क्या होता है मैम, अगर आपको ये डाउट है तो इसका मतलब ये है कि आपने सेशंस जो है पहले से नहीं सुना है, तो आपको जाके देखना चाहिए। वैसे मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि मैं अभी समझाऊंगी नहीं, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू दैट। जर्म लेयर्स मतलब क्या होता है, दीज आर लेयर्स ऑफ सेल्स व्हिच आर फाउंड इन व्हाट योर एम्ब्रियो, ठीक है। अब एम्ब्रियो को क्या है, एम्ब्रियो इज व्हाट अ बंच ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स है इसमें, ठीक है। एम्ब्रियो को क्या है, फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो ऑब्वियसली हाथ पैर मुंह सब कुछ चाहिए, नोज चाहिए, बहुत से ऑर्गन्स चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दे नीड, राइट। ऑब्वियसली एक फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के पास सब कुछ रहेगा, सो इट वोंट बी अ बंच ऑफ सेल्स, राइट। सो नाउ द एम्ब्रियो विल फॉर्म व्हाट 3 जर्म लेयर्स, क्या है 3 लेयर्स बनाएंगे सेल्स के, और बोलेगा ये जो लेयर है भाई ये तू ये काम करना, ठीक है, अगला जो लेयर है तुम ये काम करना, तुम ये बनाना। ऐसे सारे लेयर्स के पास क्या है, एक डेसिग्नेटेड फंक्शन है, ये कुछ ना कुछ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आउटर मोस्ट लेयर है, 3 जर्म लेयर्स है, राइट, आउटर मोस्ट लेयर उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, इट इज नोन एज एक्टोडर्म। ये बनाता है क्या, अपना नर्वस टिश्यू, अपना स्किन, ये सब काम करता है ये, ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। एंड देन वी हैव व्हाट मेसोडर्म, जो मिडिल लेयर है, ठीक है, मिडिल लेयर क्या है, मेसोडर्म है, ठीक है। ये क्या बनाता है, दिस फॉर्म्स द कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, मसल, सब कुछ बनाता है, ठीक है। एंड देन वी हैव व्हाट एंडोडर्म, जो सबसे अंदर वाला लेयर है, सबसे अंदर। 3 जर्म लेयर्स है तो तीनों बताएंगे ना नाम। ये इनर मोस्ट लेयर है, क्या बनाएगा, गट का जो लाइनिंग है अंदर की तरफ है, ठीक है। तो आपको जो गट है जाता है उसका लाइनिंग जो है कौन बनाता है, ये बनाता है। पर क्या है, अपन की बात कर रहे हैं नहीं ना, मोलस भी नहीं, एकाइनोडर्म्स की बात कर रहे हैं, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, यस एकाइनोडर्म्स। तो एकाइनोडर्म्स का जो व्हाट से सिस्टम उसको लाइन करेगा या फिर कुछ कुछ ऑर्गन्स बनाएगा, ये कौन बनाता है, एंडोडर्म बनाता है। सबके पास अपना अपना डेसिग्नेटेड फंक्शन है। मेरा बोलने का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इधर कि इनके पास 3 जर्म लेयर्स है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बच्चा 3 जर्म लेयर्स रहता है उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये लोग क्या है, ये दे आर व्हाट, दे हैव व्हाट ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान, लिख देते हैं यहाँ पे, ये लोग मिटा देते हैं, ये सब अपन की काम की चीज नहीं है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान, ठीक है। अब अगली बात क्या है, सीलोम। सीलोम मतलब क्या है, इट इज अ बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइन्ड बाय व्हाट, मेसोडर्म। मेसोडर्म अभी आपने पढ़ा, सुना सुना लग रहा है मैम, अभी तो पढ़ा था बच्चा लोग, 3 जर्म लेयर रहता है, बीच वाला जो है इट इज नोन एज व्हाट, मेसोडर्म, राइट। तो वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ बॉडी कैविटी जो कि लाइन्ड है मेसोडर्म से, उसको बोलते हैं सीलोम, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑर्गेनिज्म है, सोच लो ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके बीच में कुछ कुछ है, सोच लो, ठीक है, ये कैविटी होना चाहिए कायदे से, दिस शुड बी व्हाट, दिस एरिया शुड बी व्हाट द कैविटी। इफ दिस पर्टिकुलर कैविटी इज लाइन ऑन द ईदर साइड बाय मेसोडर्म, मतलब क्या है, अगर इसकी इस तरफ ऐसा ब्लू कलर का मेसोडर्म का लेयर है भाई, ठीक है, और इधर भी मेसोडर्म का लेयर है, ठीक है। तो ये जो खाली स्पेस दिख रहा है आपको, दिस कैविटी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सीलो। सो ऐसा कैविटी, ऐसा बॉडी कैविटी जो लाइन्ड है इस तरफ से और उस तरफ से, किससे, मेसोडर्म से। मेसोडर्म क्या है, मिडिल लेयर था, तो अगर मेसोडर्म सोचो, अगर पूरा का पूरा मेसोडर्म, उसके बीच में कैविटी आ गया, इमेजिन कि ये पूरा मेसोडर्म था, व्हाट दिस इज व्हाट, फुल्ली फुल्ली ये सब क्या है भाई, मेसोडर्म है। अब ये मैं बोल रही हूँ मेसोडर्म के बीच में कैविटी आ गया, सो इफ आई रब दिस ऑफ लाइक दिस, तो वही तो बना ना, देयर इज अ कैविटी इन बिटवीन, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेसोडर्म है वहां पे कैविटी आ गया है, ठीक है, और दैट इज व्हाई दिस कैविटी इज लाइन्ड बाय व्हाट, मेसोडर्म। तो ऐसे कैविटी, ऐसे बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं बच्चा, सीलोम बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाले स्पेस पे ये ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म है, इसको जो कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल इसको चाहिए अपना किडनी विडनी सब कुछ जो है इधर प्लेस कर सकता है, दैट इज द यूज ऑफ व्हाट, सीलोम। ऐसा स्पेस प्रोवाइड कर रहा है ताकि आराम से सारे ऑर्गन्स जो है फैल के मस्त जो है रह सके, ठीक है। ये दिस इज वन फंक्शन ऑफ द सीलोम, ठीक है। सीलोम का फंक्शन पढ़ना है तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सीलोम टाइप करो, मिलेगा आपको, ठीक है, मैंने ही पढ़ाया है. सो देयर इज व्हाट सीलोम, सो देयर आर व्हाट सीलोमेट्स, देयर व्हाट सीलोमेट्स, ठीक है. सीलोमेट्स में भी ये एंट्रोसिलिक है, क्या है बच्चा, दे आर एंट्रोसिलिक. एंट्रोसिलिक मैम आप क्या क्या पढ़ा रहे हो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो बच्चा अभी तक अपन जो भी पढ़ रहे थे ना वो, जैसे आर्थ्रोपोडा हो गया, एनलिडा हो गया, मोलस्का हो गया, दे वर स्काइजोसिलिक. उसमें क्या है, जो सीलो में कैविटी है उसमें पहले ऐसा छोटे छोटे से पाउचेस बनता है, छोटे छोटे सा कैविटी बनता है, ठीक है, और ये जो कैविटी है साथ में आ जाता है और फिर ऐसा बड़ा सा कैविटी बना देता है. देखिए ये जो बड़ा चीज़ है ये ऐसा बना देता है, ठीक है, देयर इज अ बिग कैविटी. नाउ इधर क्या होता है, एंट्रोसिलिक के केस में क्या होता है, जब एम्ब्रियो बनता है तो वहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या है, ये वाला एंड और ये वाला एंड जो है जॉइन हो जाता है और फिर लास्ट में ऐसा कुछ बना देता है. सो हियर ऑल्सो इट फॉर्म्स अ कैविटी लाइक दिस, ठीक है. अब ये भी नहीं पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली जाके देखना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा डीप में अपन नहीं जा सकते हैं अभी क्योंकि अपन को बहुत कुछ पढ़ना है, राइट. सो दे आर व्हाट एंट्रोसिलिक, जिनके पास क्या है छोटे छोटे पाउचेस होता है कैविटी का, एंड देन दीज कैविटीज दे मर्ज टुगेदर, इसको बोलते हैं एंट्रोसिलिक, ठीक है. उनका सीलोम ऐसा बनता है, इसलिए दैट इज वाई दे आर नोन एज एंट्रोसिलिक ऑर्गेनिजम्स. अब सेगमेंटेशन की बात करें, भाई इनमें सेगमेंटेशन है क्या, ये क्या है, काइनोडर्म्स है, इनमें भी ऐसा कुछ सेगमेंटेड बॉडी नहीं है, देयर इज नो सेगमेंटेशन. ठीक है, अब नोटोकॉर्ड की बात करें, नोटोकॉर्ड है कि इनके पास, नोटोकॉर्ड क्या है, डॉर्सली लोकेटेड, पीछे की तरफ लोकेटेड है, रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है और सॉलिड होता है, ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, जैसे फाइलम कॉर्डेटा, जो सबसे लास्ट फाइलम जिसके बारे में मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है कुछ, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा जिसमें अपन आते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें अपन के अलावा भी और कुछ आता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल हाथी हुआ, दिस ऑल्सो कम्स अंडर व्हाट, फाइलम कॉर्डेटा ओनली. तो ऐसा माना जाता है भाई कॉर्डेटा फाइलम में क्या है, कभी ना कभी उनके लाइफ स्पैन में नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट रहता है, एम्ब्रियो स्टेज में प्रेजेंट रह सकता है या फिर अडल्ट फॉर्म में भी वो परसिस्ट कर जा सकता है, ठीक है. इट कैन बी प्रेजेंट जस्ट इन द एम्ब्रियो स्टेज और इट कैन परसिस्ट थ्रू आउट दी व्हाट से दी अदर अडल्ट फॉर्म ऑल्सो, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर उनका जो नोटोकॉर्ड है भाई वो रिप्लेस हो सकता है किसी और चीज से, जैसे वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गया, ठीक है. वर्टिब्रल कॉलम याद करो अपन के पास क्या है, वी ऑल्सो हैव व्हाट वर्टिब्रल कॉलम, अपना जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है ताकि अपना स्पाइनल कॉर्ड जो भाई डैमेज ना हो, ठीक है, इट शुड नॉट बी डैमेज, दैट इज व्हाट इट इज प्रोवाइडिंग व्हाट प्रोटेक्शन. तो जो नोटोकॉर्ड है इट इज गेटिंग रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम. चलिए ये बात नहीं है अपन की इंपॉर्टेंट अभी बात, राइट. सो आई एम जस्ट सेइंग कि कॉर्डेट जो है उनकी लाइफ स्पैन में कभी ना कभी भाई ये जो नोटोकॉर्ड है इट इज प्रेजेंट, ठीक है. अब उनके अलावा कॉर्डेट्स के अलावा फाइलम कॉर्डेटा के अलावा बाकी सारे फाइलम जो है उनको फैला के रख दो, उनके पास भाई उनको नफरत है इस चीज से, उनको पास नोटोकॉर्ड जो है ही नहीं, दे डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड, सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज नॉन कॉर्डेट्स, दे आर व्हाट नॉन कॉर्डेट्स, दे डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. इतना सब कुछ पढ़ा, एक्स्ट्रा अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, इनके पास क्या है लार्वल स्टेज है, इनके दे हैव डिफरेंट डिफरेंट लार्वल स्टेजेस, ठीक है. और जो लावा है क्यों बताया इसके बारे में, क्योंकि द लार्वल स्टेज, द लावा दे शो व्हाट बाइलैटरल सिमेट्री, बाकी ही रेडियल सिमेट्री शो कर रहा था, ठीक है. कौन कौन रेडियल सिमेट्री शो करता है बच्चा एनिमल किंगडम में, सोचो सोचो, गैस, निडेरिया, निडेरिया का बेस्ट फ्रेंड कौन, टीनोफोरा है ना, टीनोफोरा, सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा जो है ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और यही क्या शो करते हैं बच्चा, रेडियल सिमेट्री जो है वो शो करते हैं. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, ठीक है. आगे बढ़ेंगे अपन, ये अपना स्टारफिश है. हैबिटेट के बारे में बात करें तो बच्चा ये लोग एक्सक्लूसिवली मराइन हैं, क्या है, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन. ओहो, क्लूसिवली का स्पेलिंग गलत हो गया है. मैराइन, मैराइन मतलब क्या है, सॉल्टी वाटर में जीते हैं, ठीक है. अब ये बीच बीच में आते हैं घूम फिर के, स्टारफिश जो है आता है, नहीं हमको लैंड में भी घूमने का मन है तो हम आ गए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यूजुअली क्या है देयर एक्सक्लूसिवली मैराइन बच्चा लोग, ठीक है. अब इनका जो है इनके बॉडी में कुछ बहुत लाजवाब सिस्टम है, ठीक है, लाजवाब है, मैं क्या ही बताऊँ. इसको बोलते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम. आपने वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा होगा पहले, ठीक है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं आपको पता होगा क्या है, आपने वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा होगा. अगर आपने इसको इसके साथ कंफ्यूज किया तो बच्चा ये गलत होगा. वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ देखा था आपने, पॉरिफेरा में है ना, पॉरिफेरा में था, ऑस्टिया, स्पॉन्जसील, ओपरकुलम, ये सब क्या है, दिस कम्स अंडर व्हाट, पोरिफेरा। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है बच्चा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। दिस इज एंटायरली डिफरेंट। तो प्लीज बच्चा ये याद रखना, इनके पास क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम है। एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ व्हाट, यस यस व्हाट, हाँ एकाइनोडर्म्स, राइट। तो इनके पास क्या रहता है बच्चा, सबसे पहला रहता है कुछ चीज जिसको बोलते हैं मैड्रिपोराइट। क्या है, मैड्रिपोराइट। यहाँ लिख देते हैं, ये जो चीज दिख रहा है ये क्या है, दिस इज मैड्रिपोराइट। यहाँ से जो है पानी जो है अंदर घुसता है, ठीक है, पानी जो है यहाँ से अंदर घुसता है। उससे वो बताने से पहले लेट मी टेल यू, दिस इज स्टारफिश, ठीक है, ये क्या है, दिस इज व्हाट, अ स्टारफिश, ठीक है। इसके पास 5 लेयर हो गए। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होगा, इसके जो ये वाला पोर्शन होगा, उल्टा वाला पोर्शन होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज द बोरल सरफेस। ये क्या है, अब बोरल सरफेस हो गया। अब ऑरल सरफेस, अब ऑरल मतलब दो चीज होता है, एक होता है ऑरल सरफेस और एक होता है अबोरल सरफेस, ठीक है। दैट इज व्हाट, जो नीचे वाला पोर्शन होगा इधर, ठीक है, अगर ऐसे में बना दो इसको, तो यहाँ वाला जो पोर्शन होगा इसको क्या बोलेंगे, ओरल। ओरल क्यों बोल रहे हैं, ओरल क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसके पास क्या है, माउथ है, ठीक है। अबोरल सरफेस मतलब ओरल का जस्ट ऑपोजिट, जहां माउथ है उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, दिस इज अबोरल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एनस है इनका, they have their anus, उल्टा साइड में, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि इनका वेंट्रल साइड में जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पे क्या है, माउथ है। They have mouth located on the ventral surface, ठीक है। वेंट्रल मतलब नीचे वाला हिस्सा होता है, और बाहर वाला जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको डॉर्सल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, डॉर्सली क्या लोकेटेड है इनका, एनस लोकेटेड है। कंफ्यूज मत होना, ओरल सरफेस मतलब क्या होता है, जहां माउथ है, और यहाँ पे माउथ कहाँ है, वेंट्रली लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड व्हाट, वेंट्रली, नीचे की तरफ लोकेटेड है। और ऊपर की तरफ डॉर्सल सरफेस में, दैट इज अबोरल, क्योंकि माउथ इधर है तो ऑपोजिट, ऑपोजिट में क्या होगा, अबोरल होगा। इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अबोरल डॉर्सल अलग है, ओरल वेंट्रल अलग है। जस्ट ऐसा याद करना, डॉर्सल साइड में क्या प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है, आपका एनस प्रेजेंट है, ठीक है। नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है, ठीक है, नीचे की तरफ है। तो जब नीचे वो घूमता है तो खाना पीना जो है ऐसे खा लेता है, ठीक है, फाइन। एंड ये वाला जो सरफेस है जहाँ पे जो आपके माउथ प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, ओरल सरफेस। ऑपोजिट साइड ऑफ द माउथ इट इज नोन एज अबोरल सरफेस, ठीक है, इतना याद रखना, सेपरेट सेपरेटली याद रखना, ठीक है। तो जो मैड्रिपोराइट है बच्चा ये ऊपर की तरफ है, डॉर्सल सरफेस पे है मैड्रिपोराइट, और ये सब बाहर की तरफ ऐसे लटका हुआ है। दिस थिंग आई वांटेड टू से, ठीक है, दिस इज व्हाट मैड्रिपोराइट। यहाँ से जो है पानी जो है अंदर घुसता है, दिस इज वाटर वास्कुलर सिस्टम है ना, अपन वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर वास्कुलर सिस्टम, तो पानी तो आएगा, राइट। तो पानी है वो अंदर घुस रहा है, ठीक है। लेट मी शो यू, पानी जो है भाई इधर पूरा पानी है, लहर है, इधर पानी है, और ये घुस गया है और ये यहाँ जाता है। दिस इज व्हाट, दिस इज स्टोन कैनाल। मैड्रिपोराइट के जस्ट बाद क्या आता है बच्चा, स्टोन कैनाल आता है, ठीक है। ये कैनाल से कंफ्यूज मत होना, वाटर कैनाल सिस्टम, स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल से कहाँ जाएगा भाई, एक रिम शेप, बीच में क्या है एक रिम शेप फॉर्म करेगा। ये माउथ के आसपास रहेगा ये रिंग, ठीक है, मतलब निचले हिस्से में जो माउथ है उसके आसपास रहेगा आपका रिंग। तो ये रिंग कैनाल तक पहुंच गया। ये जो स्टोन कैनाल है कहाँ पे खुला, ये रिंग कैनाल के इधर खुल गया है, ठीक है। अब रिंग कैनाल जो है सारे जो आपके ये पैर है वहां पे सब क्या जाता है, रेडियल कैनाल जाता है। क्या जाता है बच्चा, रेडियल कैनाल जा रहा है। तो ये सब क्या है, रेडियल कैनाल है, ठीक है। सो वी हैव रेडियल कैनाल। अब ही रुक जाओ, ठीक है, अब नाउ स्टॉप फॉर अ सेकेंड। तब देखो, अब देखो आप इसका कमाल कहाँ है मेरा, ये अपन धीरे धीरे पानी के फ्लो के साथ पढ़ेंगे तो शायद तक आपको और अच्छी तरीके से याद होगा। पहले मैड्रिपोराइट है, यहाँ से पानी जो है स्टोन कैनाल के पास गया, स्टोन कैनाल के पास जाके फिर वो रिंग कैनाल के पास चला जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द रिंग कैनाल। अब रिंग कैनाल में पहुंच गया, राइट। द वाटर हैज रीच्ड द रिंग कैनाल, जो माउथ के सराउंडिंग है। अब क्या है, रिंग कैनाल से सारे जो उसके पैर है, वहां 5 पैर, तो 5 पैरों के पास कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा वो, रेडियल कैनाल की मदद से। तो यहाँ पे गया भाई धर-धर पानी, फिर यहाँ पे जाएगा धर-धर पानी, यहाँ पे सब जगह जाता है पानी, ठीक है, वाटर इज गोइंग। अब क्या होगा, अब इनके पास क्या है, साइड में आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ ट्यूब फीट है। दे हैव व्हाट, ट्यूब फीट, ठीक है, दिस इज व्हाट, ट्यूब फीट। तो अब ट्यूब फीट में जो है पानी जो है धीरे धीरे जो है घुस जाएगा, ठीक है। अब ट्यूब फीट का जो है एग्जांपल आपको बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, ओहो, दिस इज व्हाट स्टारफिश। आपको इसके साइड में दिख रहा है, ये जो ऐसा करके चल रहा है, दिस इज हाउ इज इट मूविंग, इट इज मूविंग विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट जो इसकी साइड्स में है। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपन। ओके, सो देयर इज ट्यूब फीट। अब ट्यूब फीट में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है बच्चा लोग, ठीक है, देयर इज डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स इन ट्यूब फीट आल्सो। ऊपर के भाग, ये जो गोल सा एक भाग है जो ऊपर ऊपर से गोलू गोलू दिख रहा है आपको, दिस इज नोन एज एम्प्यूला, ठीक है, दिस इज नोन एज एम्प्यूला, ठीक है। और नीचे की तरफ कुछ और रहता है, नीचे की तरफ फिर से लंबा सा कुछ रहता है, एंड दे हैव अ सकर एट द एंड। क्या है उनके पास? सकर है एट द एंड, दे हैव सकर आल्सो। ये ट्यूब फीट है, इसके एंड में क्या है? सकर भी है, ठीक है। तो अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या है भाई? पानी जो आया कहाँ से आया? मैड्रीपोराइट से घुसा, ठीक है। मैड्रीपोराइट से कहाँ जाएगा? यस, स्टोन कैनाल के पास जाएगा। स्टोन कैनाल से कहाँ जाएगा? रिंग कैनाल के पास जाएगा। रिंग कैनाल किससे कहाँ जाएगा? रेडियल कैनाल की तरफ जाएगा। रेडियल कैनाल से कहाँ जाएगा? ट्यूब फीट में पानी घुस जाएगा, ठीक है। और यही तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा। ट्यूब फीट के पास क्या है? एम्पुला है ऊपर की तरफ, है ना, उनके पास एम्पुला है ऊपर की तरफ, एंड दे हैव अ सकर एट द एंड। ये जो नीचे वाले पोर्शन में क्या है? सकर है। स्टारफिश के बाद चल रही है यहाँ पे, राइट। अब देखो आप, दिस इज द एक्चुअल पिक्चर। यहाँ पे आपको एक्चुअल पिक्चर दिखेगा। दिस इज व्हाट? ये आपका मैड्रीपोराइट है। ये जो गोलू सा दिख रहा है आपको, ये चीज क्या है? मैड्रीपोराइट है। ये जो लंबा सा है, दिस इज व्हाट? स्टोन कैनाल। एंड देन वी हैव हिदर, वी हैव दिस राउंड थिंग इज व्हाट? रिंग कैनाल, ठीक है। रिंग कैनाल की तरफ क्या जा रहा है बच्चा? दिस इज रेडियल कैनाल, पांचों तरफ मतलब, ठीक है। वी हैव व्हाट? रेडियल कैनाल, ठीक है। और एंड में क्या होगा आपका? ट्यूब फीट जो है इट इज अटैच्ड, ट्यूब फीट भी है वो भी अटैच रहता है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको इसका फंक्शन। फंक्शन क्या है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम का मेनली तीन फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है? लोकोमोशन। आप सोचो कि लोकोमोशन कैसा हो रहा होगा मैम? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए। लोकोमोशन पता है कैसा होता है? जो पानी है जल्दी से जाके ये जो एम्पुला है उसमें घुस जाएगा, ठीक है। एम्पुला जो है उसमें घुस जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा इसका, और इसी वजह से जो है मूवमेंट दिखेगा। नहीं समझ में आया तो अपन पिक्चर देखेंगे। देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। पानी जो है यहाँ पे घुसेगा तो ये ले लेगा खींचकर उसको, वापिस से पानी छोड़ेगा, इसको बड़ा कर देगा ट्यूब फीट को, और सकर जो है वो चिपक जाएगा। एंड द सेम थिंग रिपीट्स, ठीक है। पहले क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट गेट्स द वाटर गेट फिल्ड, एंड देन वाटर गेट रिलैक्स होता है, सकर चिपक जाता है, वापस से कॉन्ट्रैक्ट होता है, वापस से रिलैक्स होता है, वापस से कॉन्ट्रैक्ट होता है, वापस से रिलैक्स होता है। इसी तरीके से क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म है इट मूव्स। ऐसे सकर जो है इसका चिपक नहीं जाता है, फिर इट मूव्स आगे की तरफ। और ये परफेक्ट जेफ मेरे को आपको समझाने के लिए मिल गया था। सो इन दिस वे इट हेल्प्स इन वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ दिस। इसके अलावा क्या हेल्प करता है बच्चा? कैप्चर ऑफ प्रे। यस, यू हर्ड मी राइट। ये जो है विद द हेल्प ऑफ दिस, इनके पास क्या है? सकर रहता है, राइट। ये ऐसे धीरे धीरे चल के जाते हैं, ठीक है, और फिर क्या है? प्रे जो है उसको पकड़ लेते हैं। ऑब्वियसली सकर है उनके पास, तो खींच के मरोड़ के कैसे भी उनको तोड़ना फोड़ना है, जो सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। और उनका जो माउथ है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टारफिश हूँ, सोचो मैं ऐसे हूँ, ठीक है। इफ आई एम स्टारफिश आई एम लाइक दिस, राइट। अब ये ट्यूब फीट से मैं जाऊँगा, मेरा माउथ नीचे की तरफ है, राइट। अब जैसे ही मुझे कुछ दिख गया, मैंने ट्यूब फीट उसको पकड़ लिया, ठीक है, मेरा माउथ है, ठीक है। इफ आई एम स्टारफिश आई हैव अ माउथ आल्सो एट दी वेंट्रल सर्फिस, नीचे की तरफ है मेरा माउथ। अब क्या होगा कि मेरे माउथ से मेरा जो स्टोमक है वो बाहर आ जाएगा। ये बड़ी अलग बात है इनपे, है ना, इनके पास कुछ अलग ही सिस्टम है। देखो क्या है, इनका जो कार्डियक स्टोमक रहता है, पाइलोरिक स्टोमक, ऐसे अलग अलग पार्ट्स हैं ये, ठीक है। तो उनका जो कार्डियक स्टोमक है भाई वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, और क्या हो जाएगा? स्टोमक जो बाहर आने के बाद क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस जो है रिलीज कर देगा। क्या है? डाइजेस्टन जो है बाहर के बाहर ही कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें बाहर है तो उसको डाइजेस्टन मतलब उसका जो एंजाइम सीक्रेट करके उसको तोड़ मोड़ लेगा और अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? पाइलोरिक सीकम या फिर पाइलोरिक डक्ट के थ्रू क्या है अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। डाइजेशन करा उसका, बाहर के बाहर ही कर लिया, सारे एंजाइम सीक्रेट कर लिए, ले लिया उसको, और फिर क्या है उसका जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको क्या है अब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे होता है इनका डाइजेशन। की स्टारफिश की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये बहुत अजीब बात है। तो इन दिस वे वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज एक्चुअली हेल्पिंग इन व्हाट? यस, इन कैप्चरिंग द प्रे एज वेल। हेल्प कर रहा है ना, वाटर वैस्कुलर सिस्टम की मदद से ही सकर जो है वो काम कर रहे हैं, वो ट्यूब फीट जो है काम कर रहा है और फिर उसको पकड़ के लेके आ रहा है। ऑब्वियसली खाना तो अलग बात है, ठीक है, दैट इज देयर। और क्या इसका इंपॉर्टेंस था? रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि भाई ये ट्यूब फीट से जो है कुछ कुछ रेस्पिरेशन भी होता है, कुछ कुछ छोटे छोटे अमाउंट में क्या है रेस्पिरेशन भी होता है, क्योंकि इनका जो सेल है बहुत एकदम थिन लेयर्ड होता है। तो डिफ्यूजन की मदद से जो है ऑक्सीजन जो है इट कैन गेट इन, ऑक्सीजन जो है इट कैन गेट इनसाइड द ट्यूब फीट। पानी तो वैसे ही जा रहा है, तो ऑब्वियसली इट कैन डू दिस, है ना। तो तीन फंक्शंस हो गए इसके। वाटर वैस्कुलर सिस्टम के पहला फंक्शन क्या है बच्चा? लोकोमोशन। पहला फंक्शन क्या है? लोकोमोशन। सेकंड इज व्हाट? कैप्चर ऑफ प्रे। थर्ड इज व्हाट? यस, लिटिल बिट ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, लिटिल बिट ऑफ रेस्पिरेशन। ये सब में कौन हेल्प करता है बच्चा? वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है वो हेल्प करता है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब इनके एंडोस्केल्टन के बारे में बात करें। अपन वाटर वैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात कर लिया है, हैबिटेट के बारे में बात कर लिया, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, अपन ने नॉर्मल फीचर्स देख लिया, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट व्हाट, इफ यू टॉक अबाउट एंडोस्केल्टन, इनमें क्या है? एक्सोस्केल्टन नहीं है। पहले अपन ने मोलस्का में देखा है कि इनके पास क्या है? एक्सोस्केल्टन, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? यस, कैल्शियम, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। यहाँ पे किससे बना है? यहाँ पे भी कैल्शियम से बना है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम। तो इनके पास क्या है? कैलकेरियस ऑसिकल्स रहता है बच्चा, कैलकेरियस ऑसिकल्स रहता है, या फिर वी कैन से बोनी ऑसिकल्स। ठीक है, अगर आपने स्टारफिश देखा है, अभी रिसेंटली आई गॉट अ स्टारफिश स्केल्टन, ठीक है, फ्रॉम अ बीच आई वेंट, तो वहाँ मैंने देखा उसके पास टू स्पाइन है, ठीक है, इसलिए उनको स्पाइनी स्केल्ड एनिमल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? दे आर नोन एज स्पाइनी। एकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या है? एकाइनो मतलब क्या है? स्पाइन, डर्मेटा मतलब स्किन होता है, ठीक है, तो स्पाइनी स्किन एनिमल बोलते हैं, इसकी वजह से बोलते हैं, क्योंकि क्या है वाइट, व्हाट्स द रीजन? क्योंकि इनके पास कैलकेरियस ऑसिकल्स है, ठीक है, ये जो ऑसिकल्स है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ऑर्गेनिज्म, इनके पास जो है ये कैल्शियम से लत पता ऐसा बोन्स रहता है बहुत सारा। ठीक है, ऐसे पांच बना दो आप हाथ पैर। ठीक है, ये क्या है? कैलकेरियस ऑसिकल से बनते हैं, एंड देन या फिर बोनी ऑसिकल से बनते हैं। इनके बीच में क्या है? दे हैव कोलाजन फाइबर्स एज वेल। इनके बीच में क्या है? कोलाजन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, दे हैव कनेक्शन के लिए, या फिर दे हैव फाइबर्स एज वेल, इज कनेक्टेड। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? इनके ऊपर ऐसा भी कुछ कुछ है, ये जो बोनी ऑसिकल्स है ना, कुछ ऐसे वेंट्रली भी लोकेटेड है, ऐसे भी लोकेटेड है, ऐसे पोजीशन में भी लोकेटेड है, ताकि वो यही जो है वो स्पाइन के फॉर्म में दिखता है अपन को। ठीक है, यही जो ऑसिकल्स है ये आपको स्पाइन के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, सो दे हैव व्हाट? एंडोस्केल्टन मेड अप ऑफ व्हाट? कैलकेरियस ऑसिकल्स। एंडोस्केल्टन मतलब क्या है? बॉडी के अंदर, एंडो मतलब अंदर, एक्टो मतलब बाहर। ठीक है, आपने एक्टोस्केल्टन का एग्जांपल पढ़ा, आर्थ्रोपोडा में भी इनके पास दे हैव व्हाट? काइटिन। ठीक है, यहाँ पे दे हैव एंडोस्केल्टन, बॉडी के अंदर क्या है? कैलकेरियस ऑसिकल्स रहता है, या फिर उसको बोलते हैं बोनी ऑसिकल्स। ठीक है, और ये ऐसे दिखते हैं, उसके अलावा ऐसे भी लोकेटेड है, और इसके अलावा ऐसे स्पाइन के फॉर्म में भी इट इज प्रेजेंट, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज स्पाइनी स्किन्ड। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि रेस्पिरेशन और एक्रीजन में हेल्प करता है स्टारफिश को, दैट इज व्हाट? दैट इज डर्मल ब्रैंकिया, या फिर स्किन गिल्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बच्चा? स्किन गिल्स या फिर डर्मल ब्रैंकिया। तो क्या होता है बच्चा? इनका जो एपिडर्मिस है, जो सबसे बाहर का जो लेयर है, उसके अलावा बीच में कैविटी रहता है, सीलोमिक कैविटी, याद है आपको? सीलोम, आई वाज सेइंग अबाउट सीलोम, राइट। सीलोम क्या रहता है? दैट्स अ बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइन्ड बाय मेसोडर्म, राइट। तो इनका जो सीलोम है ना, सीलोम भी ऐसा प्रोजेक्शन के फॉर्म में रहता है, इनका जो सीलोम है उसमें थोड़ा सा आउटग्रोथ आ जाता है, और वो ऐसा प्रोजेक्शन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्शन है ये जो है ये भी स्पाइन के फॉर्म में आपको दिखेगा, एकदम चुने चुने से बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, और इसी के थ्रू क्या है? आपको रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, एज वेल एज एक्रीशन भी देखने को मिलेगा। यू कैन सी व्हाट? बोथ रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्रीशन। तो रेस्पिरेशन अपन एक और जगह पढ़ा था, दैट इज ट्यूब फीट के वहाँ पे। हियर ऑल्सो दे रेस्पायर, दे हेल्प इन रेस्पिरेशन एज वेल एज व्हाट? एक्सक्रीशन। कैसा हो रहा है? ये डिफ्यूजन की मदद से हो रहा है। तो पहले आप देख रहे हो कुछ कुछ चीजें जो बहुत प्रिमिटिव थी, मतलब प्रिमिटिव है इनके पास, दैट इज इनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऐसा कुछ सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा, इट इज एक्चुअली रेस्पायरिंग एंड एक्सक्रीटिंग विद द हेल्प ऑफ व्हाट? जनरल बॉडी सरफेस। तो डर्मल ब्रैंकिया जो है बच्चा, ये क्या है? सीलोमिक प्रोजेक्शंस है, दे आर व्हाट? और आई राइट इट हियर, दे आर व्हाट? सीलोमिक प्रोजेक्शंस। डर्मल ब्रैंकिया को क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं स्किन गिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और रेस्पिरेशन आपने कहाँ देखा था? एक और जगह ट्यूब फीट में भी आपने देखा था, दैट इज आल्सो देयर। ठीक है, इतना पढ़ लिया अपन ने। एंड नाउ व्हाट? नाउ व्हाट? यस, नाउ इफ यू टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, बच्चा इसमें क्या है, सेक्सेस जो है यूजुअली सेपरेटेड रहते हैं. दे हैव व्हाट सेपरेटेड मतलब सेक्सेस और सेपरेट मतलब क्या है, ये डायशियस है राइट. दे हैव व्हाट डायशियस. अब उसके अलावा क्या है, डेवलपमेंट आपने देखा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, उससे पहले फर्टिलाइजेशन तो करवा दो, फर्टिलाइजेशन तो कराओ उसके बाद होगा डायरेक्ट डेवलपमेंट या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट राइट. तो क्या होता है इनमें फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नली होता है, पानी में ही होता है, जो गिमीट्स है जैसे ये फॉर एग्जांपल मैं हूँ एक मेल ऑर्गेनिज्म और दूसरा है एक फीमेल ऑर्गेनिज्म. मैं अपना फीमेल जो व्हाट से एग्स है वो बाहर की तरफ रिलीज करूंगी और जो मेल है वो भी क्या है बाहर की तरफ रिलीज करेगा और जो फ्यूजन होगा गिमिट्स का वो बाहर ही होगा, पानी में ही होगा, बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है. दैट इज व्हाई दे आर सेट टू शो व्हाट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो क्या अपन यहाँ लिख सकते हैं दे शो व्हाट बच्चा लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है डेवलपमेंट जो है, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, बाहरी जो है फ्यूजन हो गया, अब डेवलपमेंट कैसा रहेगा, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट. यस दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इनमें बहुत सारे डिफरेंट जो है लार्वल स्टेजेस आपको देखने को मिलेगा. सो दे शो व्हाट बच्चा लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इतना पढ़ लिया अपन ने. ठीक है और कुछ रह गया क्या इसके बारे में, जस्ट अ सेकेंड, नहीं और कुछ रहा नहीं है. हाँ मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया. एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है इनके पास. ठीक है रेस्पिरेशन के लिए डर्मल ब्रांकिया, स्किन गिल्स बोलते हैं इनको. ठीक है और ये क्या है सीलोमिक कैविटी का प्रोजेक्शन है. इसके अलावा ट्यूब फीट से भी होता है. एंडोस्केल्टन जो है किससे बना है, कैलकेरियस कैलकेरियस ऑसिकल से बना है, बोनी ऑसिकल्स बोलते हैं और उसके ऊपर ऐसा प्रोजेक्शन भी रहता है. ठीक है ऐसे भी लोकेटेड रहता है. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज स्पाइनी स्किन. एकाइनो मतलब स्पाइनी, डर्मेटा मतलब स्किन. ठीक है डर्मा मतलब स्किन. ठीक है और फिर जैसे उनको खाना दिखता है कभी कभार स्टारफिश जो है वो अपना स्टमक जो है बाहर कर लेते हैं. डाइजेस्टिव एंजाइम जो है सीक्रेट होता है, लेते हैं खाने को और फिर क्या है एब्जॉर्प्शन होता है. दिस इज हाउ वाटर वास्कुलर सिस्टम या फिर ट्यूब फीट इज हेल्पिंग इन व्हाट लोकोमोशन. तो वाटर वास्कुलर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा जहाँ पे आपने देखा मैड्रिपोराइट, फिर जो मैड्रिपोराइट इट इज कनेक्टेड टू द रिंग कैनाल विद द हेल्प ऑफ व्हाट स्टोन कैनाल और फिर जो रिंग कैनाल है वहां से पानी का जाता है रेडियल कैनाल्स में जाता है एंड देन इट मूव्स टू ट्यूब फीट. ट्यूब फीट के पास ऊपर हिस्से में क्या है इट हैज एम्पुला, नीचे क्या है नीचे देयर इज अ रीजन एंड टूवर्ड्स उससे भी लोअर क्या प्रेजेंट है, यस सैकस प्रेजेंट है. आई होप दिस इज आल्सो क्लियर. ठीक है हैबिटेट क्या है दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, बाकी कुछ ऐसा कुछ था नहीं इंपॉर्टेंट. यस एंड नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स एकदम जल्दी से. एस्टेरियस दिस इज व्हाट स्टारफिश. लेट मी चेंज द कलर. ये क्या है बच्चा स्टारफिश है. नाम लिखते जाएंगे अपन. दिस इज व्हाट एस्टेरियस, याद कर लो दिस इज स्टारफिश. ठीक है और फिर क्या है और फिर वी हैव एकाइनस. ठीक है इसको बोलते हैं सी अर्चिन, इसको बोलते हैं सी अर्चिन. ठीक है ये क्या है सी कुकुम्बर. ये कुकुम्बर जैसे दिखता है क्या, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चा सी कुकुम्बर. इसका असली नाम क्या है कुकुमेरिया. बहुत क्यूट नाम है ना कुकुमेरिया. ठीक है सी कुकुम्बर इसका कुलकिल नाम है. एंड देन वी हैव ब्रिटल स्टार. क्या है बहुत ब्रिटल है ब्रिटल स्टार. इसको बोलते हैं ओफ्यूरिया शायद तक. यस ओफ्यूरिया. ठीक है ओफ्यूरा. And then we have what one more thing, water lily. इनको क्या बोलते हैं water lily. बहुत प्यारे प्यारे क्यूट कर दिखते हैं right? Water lily, Antedon या फिर sea lily बोलते हैं. सॉरी water lily नहीं और just a second, sea lily गलत हो गया है माफ कर दो. They have what they are sea lily. इनको feather star भी बोलते हैं शायद तक. They are Antedon. इसको क्या बोलते हैं Antedon. So these were the examples that was given in your NCERT. देखते हैं पहले से Asterias. देखिए that is starfish and then we have what? Yes, Echinus. That is sea urchin and then we have sea cucumber. That is Cucumaria. Yes, बहुत easy नाम है. Ophura. That is brittle star and last but not the least Antedon जो है वो है sea lily. इसको feather star भी बोलते हैं शायद तक. ठीक है. So that's all we have completed what echinoderms as well. जल्दी से पढ़ लेते हैं अपन, कुछ मिस कर रहे हैं देख लेंगे. These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles. हाँ भाई हमको पता है. And the name echinodermata, that is spiny bodied. ठीक है सो दीज एनिमल्स कैलकेरियस ऑसिकल्स या फिर उसको क्या बोलते हैं, बोनी ऑसिकल्स भी बोलते हैं, बोनी ऑसिकल्स भी बोलते हैं. ऑल आर मराइन, क्या है, एक्सक्लूसिवली दे आर व्हाट मराइन सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट है. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. हाँ भाई, ये तो आपको कहाँ से देखने को मिल रहा है, एस्केलमिंथस से देखने को मिल रहा है. द अडल्ट एकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल. अडल्ट जो है इट इज रेडियली सिमेट्रिकल, बट जो लार्वल फॉर्म्स है क्या है, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब क्या है, तीन जर्मलेस है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म. एंड सीलोमेट एनिमल्स, मतलब क्या है, बीच में सीलोमेट कैविटी है. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड, है ना. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट है, इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. माउथ जो है कहाँ पे है, वेंट्रल साइड में है. और डोर्सल साइड में क्या है अपना, यस, एनस है. तो इस सरफेस को क्या बोलेंगे, जहाँ पे माउथ है इसको बोलते हैं ओरल सरफेस. उसके ऑपोजिट जहाँ पे माउथ नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अबॉरल सरफेस. ठीक है, तो याद रखना जो माउथ है इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, एनस जो है अपर डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है. ठीक है, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम. वो हो वो, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं भूलना. ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम अलग है, कहाँ देखा था आपने, पोरीफेरेंस में देखा था, दैट इज डिफरेंट. Which helps in what? Locomotion, capture and transport of food and respiration. Locomotion में आपने देखा कैसे करता है, capture, I told you, मैंने दिखाया करके, ठीक है, कि capture कैसे कर रहा है. And then respiration also with the help of what? Yes, tube feet. And excretory system is absent. भाई इनके पास excretory system नहीं है. Excretion हो रहा है कहाँ, dermal branchiae की मदद से हो रहा है ना, स्किन गिल्स की मदद से हो रहा है, which are what? Coelomic projections. Yes. Sexes जो है separate है, that is they are dioecious. Reproduction जो है sexual है, asexual नहीं है, है ना. Obviously fertilization जो है usually जो है external है, बाहर से fertilization होता है. Development is what? Indirect. बहुत सारे larval stage है, free swimming है, आराम से घूमते फिरते वो रहते हैं ये लोग पानी में. एग्जाम्पल्स क्या है, एस्टेरियास जो कि अपना स्टारफिश, एकाइनस जो कि अपना सी अर्चिन, एंटीडॉन जो कि अपना सी लिली, और कुकुमेरिया जो कि मेरे फेवरेट सी कुकुम्बर. एंड देन वी हैव ओफ्यूरा, दैट इज ब्रिटल स्टार. आपके बुक में दो पिक्चर्स दिए हैं, प्लीज ध्यान रखना, ऐसे आपको पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स एज वेल. तो ब्रिटल स्टार तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, राइट, एंड ये भी आपको समझ में आ जाएगा. इसको फूल पत्ते लिख के मत आना प्लीज, ओके. चलो, so we have in this way completed what? Echinodermata as well. So kudos to you for let's say being there with me until now. And yes, obviously take care and have a really great day. Do not forget to like, share and subscribe. Bye bye.